नरेंद्र मोदी का सिपाही हूं और नरेंद्र मोदी का सिपाही इंसान में भेदभाव नहीं करता। हम कभी भी हिंदू मुसलमान सिख ईसाई बौद्ध जैन पारसी इसको बांटते नहीं है। जो हमारे देश का नागरिक है अगर गरीब है तो अगले 5 साल तक उसके घर में फ्री राशन भेजेंगे, ये हमारे मोदी जी का शपथ है। आपके घर के सामने जो सड़क होती थी, आज जब आप इस सड़क पे चलते होंगे, अभी तो 1 महीना और देखिए, 1 महीना में ऐसा चमकाएंगे इसको कि घरवा का कीमत 3 गुना हो गया है, जो बाकी बचे चंदा देता है। और मुझे वो दिन भी याद है कि जब मैं इस सड़क की घोषणा करी थी, जब मैंने नितिन गडकरी जी को बुलाकर यहीं पे 5वें पुस्ते पर गड़ी गांव के पास हमने जब इस सड़क का शिलान्यास किया था, तो अचानक हमें लोग पकड़ लिए थे। हमारे क्षेत्र के जितने नेता हैं, चाहे वो अजय महावर हो, चाहे वो मयंक सिंह हो, चाहे वो राजकुमार बल्लन हो, या फिर दूसरी पार्टियों के भी नेता क्यों ना हो, हमारा संबंध तो सबसे अच्छा ही रहता है। वो चाहे विजेंद्र जी हो, चाहे वो गौरव हो, ये सब लोग आते थे मेरे पास। ये सब लोग आए बड़े अलग अलग ग्रुप के साथ और बोले, मनोज जी आपने सड़क बनाने का तो काम बहुत अच्छा शुरुआत कर रहे हैं, लेकिन हमारे घरों पे निशान लगने लगे हैं, घरों को तोड़ा जाएगा। मैंने पता किया, मैंने मीटिंग बुलाई बाबूजी। मीटिंग में पता चला कि सर कुछ घर तोड़ने पड़ेंगे, ये बात सही है। हमने कहा भाई शुरुआत में तो बोले ये बहुत बड़ी रोड बन रही है, इस रोड की कल्पना सांसद जी आप बनवा तो रहे हैं, लेकिन इसकी कल्पना नहीं कर सकते। यहां से अब बागपत जाना होगा तो 20-25 मिनट में आदमी पहुंच जाएगा, सहारनपुर जाना होगा घंटे भर में पहुंच जाएगा, देहरादून जाना होगा 2.5 घंटे में पहुंच जाएगा, हरिद्वार 2.25 घंटे में पहुंच जाएगा। तो हमने कहा ये तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन इसके लिए घर तो नहीं टूटने देंगे, हमें सड़क भी बनानी है और घर भी नहीं टूटने देना है। और उसके बाद ये जो कंस्ट्रक्शन कर रही है कंपनी, उसके इंजीनियर के साथ में बैठा और हमने कहा जब जरूरत पड़ेगी इस सड़क को थोड़ा सा दूसरे साइड ढकेलेंगे, जरूरत पड़ेगी इसके अलाइनमेंट को ऐसा करेंगे, क्योंकि वो थोड़ा जो पिलर था उसको थोड़ा और इधर करके इस सड़क को थोड़ी सी और बढ़ाना चाहते थे। मैंने कहा ये नहीं होगा, जो सड़क चल रही है उसका सेंटर लो। और मैं भी थोड़ा घबराया था कि पता नहीं रक्षा में हत्या तो नहीं हो जाएगी, क्योंकि लगभग 2200 घर तोड़ने पड़ते हमको किनारे किनारे के। फिर हमने इसके लिए नितिन गडकरी जी से NHAI को बात कराई। आज मुझे कितना खुशी होती है कि घर का घर है, सड़क की सड़क है, और सड़क भी ऐसी है कि आप लोग, अभी तो मैं ऊपर की सड़क को ठीक कराने में लग रहा हूं, 8 या 9 जून को इसकी शुरुआत कर देंगे। आपके घर के आगे से सर्विस रोड है, इसको भी हम बिल्कुल वैसे ही पक्का बनाना चाहते हैं, क्योंकि हमने NHAI को बोला है कि 7 की रोड आप PWD से लेकर के खुद बनाए। लेकिन उसमें जब बनाने की बात आगे चली है तो थोड़ी सी परेशानी भी आ रही, जगह जगह लोग उसके कुछ ना कुछ उसमें इंक्रोचमेंट है, तो मैं ये आप लोगों के ऊपर छोड़ता हूं, आप लोग डिसाइड करना, इस सड़क पे रहने वाले लोग डिसाइड करें। अगर आप सब इसके लिए तैयार होंगे कि नहीं सड़क की सर्विस रोड बहुत अच्छी बना दी जाए, तो आपको एक सड़क की जगह हम 6 सड़क देने जा रहे हैं, ऊपर आपको एक नीचे एक की जगह जितनी एक थी उतनी डबल हो गई है और उसके ठीक डबल ऊपर हो गई है। और ये इसका सड़क सर्विस रोड को ले लीजिएगा 2 लेन की, तो इसमें भी आना जाना सब कुछ अलग ढंग से हो सकता है, मगर
इसको अभी मैं आगे नहीं बढ़ाया हूं, मैं गांव से चाहता हूं क्षेत्र के लोग बैठे थोड़ा सा डिसाइड करें कि उनको सर्विस रोड से फायदा होगा कि घाटा होगा।